હાજી जी हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वन मातरम वेलकम ऑल ऑफ यू वेलकम टू क्लास मेरा नाम है पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉजी की क्लास नंबर थर्ड तीसरी क्लास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉजी की दो क्लासेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और कल तक ये चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा कल इसकी लास्ट क्लास होगी बेटा चार क्लासेस में हम कंप्लीट एनालॉजी को खत्म कर चुके होंगे एनालॉजी जो है बेसिकली चार पार्ट्स में गई है अल्फाबेट एनालॉजी एनालॉजी नंबर जो है वर्ड एनालॉजी और फिगर एनालॉजी चार तरह की एनालॉजी बेसिकली होती है सबसे पहले अगर बात करता हूं तो हमने अल्फाबेट एनालॉजी को पढ़ लिया है कल परसों बेसिकली नंबर एनालॉजी को हमने कल कवर करने की कोशिश करी है वर्ड एनालॉजी आज डिस्कस करेंगे और फिगर एनालॉजी कल डिस्कस करेंगे सुबह आठ बजे डेली बेसिस पर आपकी एक क्लास होती है इसी के साथ अगर कर बात करता हूं दोपहर को दो बजे हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस की क्लास कर रहे होते हैं तो आज हमारी प्रैक्टिस की क्लास होने वाली है आपकी एनालॉजी की लेकिन प्रैक्टिस क्या होगी आज आज वर्ड एनालॉजी की प्रैक्टिस कौनी होगी भैया आज जो प्रैक्टिस होगी वो होगी आपकी नंबर एनालॉजी की ही टाइप टू की नंबर एनालॉजी के ही टाइप टू की प्रैक्टिस आज आपके होने वाली है और उम्मीद करता हूं आज आप खड़े उतरेंगे इस प्रैक्टिस में क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है जबरदस्त लेवल पे जबरदस्त लेवल पे होगी तो तो मजा जरूर जरूर आएगा तो आज शाम की क्लास क्लास के अंदर मिस नहीं करना जरूर आना होगी बेटा जी एनालॉजी की ठीक है तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा कोई भी बच्चा इसी के साथ अगर बात करता हूं तो ये शेड्यूल है आपकी सभी क्लासेस का कौन सी क्लास कब कितने बजे होती है यहाँ सुबह आठ बजे जो क्लास होती है आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास होती है और एनालॉजी की कॉन्सेप्ट की क्लास होती है आप लोगों की प्रैक्टिस की अगर बात करता हूँ आज एनोलॉजी की क्लास है और प्रैक्टिस में भी आज एनोलॉजी की प्रैक्टिस दोपहर दो बजे दो होती है अच्छा आज से शेड्यूल में परिवर्तन है ये आज से आपका शेड्यूल नया फॉलो होगा बेटा जी आज से न्यू शेड्यूल है आपका ओके बेटा आज से नया शेड्यूल है नए शेड्यूल में परिवर्तन ये है कि आज से आपकी करंट अफेयर की क्लास चालू हो जाएगी आज से आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास हो जाएगी शुरू और आज से जो क्लास होगी वो यूट्यूब पे शुरू होगी आप लोगों की इसी यूट्यूब चैनल पे जो है वो आपकी एक करंट अफेयर की क्लास बढ़ाई जा रही है तो सुबह आठ बजे यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट की क्लास रीजनिंग की दस बजे जो है जो जीके की कॉन्सेप्ट की क्लास दस ग्यारह बजे जो है मैथ्स की कॉन्सेप्ट की क्लास बारह बजे जो है करंट अफेयर की प्रैक्टिस की क्लास जो कि

चैट पोल के साथ में पीडीएफ ऑफ प्रैक्टिस क्लास रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ में आपको यहाँ मिलेगी कॉन्सेप्ट क्लासेस भी आपको कंप्लीट पर मिल जाती हैं साथ ही साथ नोट्स बैच को भी आप ज्वाइन करते हैं नोट्स वेज में सभी टीचर्स के हैंड रिटन कॉन्सेप्ट के नोट्स टॉपिक वाइज सीपीपीज एसपीपीज मॉक टेस्ट मिक्स मॉक टेस्ट के साथ में कंप्लीट आपको बैच मिलता है तो लाइव बैच और नोट्स बैच को जो है वो फॉलो कर सकते हैं आप बड़े प्यार से ठीक है जय हिंद देखिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ गुड मॉर्निंग बेटा चलो अल्फाबेट एनालॉजी हमने कंप्लीट कर लिया नंबर एनालॉजी की हमने कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिस आज कंप्लीट हो जाएगी आइए शुरू करते हैं वर्ड एनालॉजी को वर्ड एनालॉजी का मतलब क्या है बेटा शब्दों का जो है हा, हा, मैं बढ़िया हूँ बेटा ओके बेटा गोर चलिए चलिए सबसे पहले अगर बात करता हूं वर्ड एनालॉजी आज हम डिस्कस करेंगे आज हम वर्ड एनालॉजी डिस्कस करेंगे दैट इज शब्दों का सार्थक क्रम या कह दीजिए शब्दों की शा, जो है सादृश्यता शब्दों की सादृश्यता जो है वो रीजनिंग का पार्ट है ही नहीं रीजनिंग का पार्ट नहीं है वो पार्ट है जीके का वो पार्ट है जीएस का वो पार्ट है बायोलॉजी का वो पार्ट है केमिस्ट्री का वो पार्ट है जनरल अवेयरनेस का इसमें रीजनिंग नहीं काम आती इसमें रीजनिंग एक लॉजिक के तहत काम आती है कि यार जैसे कि इसका संबंध इससे है तो वैसे ही इसका संबंध किससे होगा कुछ एग्जांपल दे समझाता हूं मान लो सवाल कुछ इस तरह से है कि शेर का संबंध जो है भूरे रंग से है तो भैंस का संबंध किससे होगा तो यहां पर रीजनिंग काम आ रही है क्या जीके काम आ रही है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस आपको जनरल भाषा में जनरल शब्दों में जनरल चीज एक पता है कि यार शेर भूरे रंग का होता है तो भैंस भूरे रंग काले रंग की होगी तो अगर शेर का संबंध भूरे से है तो भैंस का संबंध जो है वो काले से कर देंगे और काम खत्म तो, तो मैं चाहूं तो इसको स्किप कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के भविष्य को देखते हुए हम कहेंगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा एक दिन कॉन्सेप्ट और एक दिन प्रैक्टिस पूरे दो घंटे आपको हम देंगे दो घंटे कम नहीं होते बेटा ठीक है तो आइए पढ़ते हैं समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को चलिए बेटा जी तो शब्द हैं काफी सारे उन शब्दों के हिसाब से मैं कुछ आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ शब्दों के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले पहले शब्द आता है आपका पहला जो शब्द आता है वो आता है आपका कंट्री एंड कैपिटल पहले जो आते हैं शब्द वो आते हैं कंट्री और कैपिटल पे क्वेश्चन किस हिसाब से आता है इसके ऊपर बेस्ड देखिए इस तरह से आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबेरिया से है तो बताइए ऑस्ट्रिया का संबंध किससे होगा ऑस्ट्रिया का संबंध किससे रहा होगा चलिए जैसे कि मैंने कहा कि कैन ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबेरिया से है तो ऑस्ट्रेलिया संबंध किससे होगा तो यहां पर आपको कंप्लीटली जो है वो रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है यहां पर रीजनिंग का कोई रोल है ही नहीं यहां पर अगर आपकी जीके है आपको अगर शब्दों के बारे में जानकारी आपको कंट्री एंड कैपिटल्स के बारे में जानकारी है तो आप इस सवाल को कर पाएंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबेरिया है वैसे ही ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो Canber Vienna है वियना है तो इस तरह से पहला कॉन्सेप्ट अपना यही है कि आपको जो है कुछ कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स याद होनी चाहिए कुछ कंट्रीज और कैपिटल्स जो कि इंपोर्टेंट है वो आपके सामने लिखे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो है कैनबेरिया ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो है वियना भूटान की कैपिटल जो है वो थिंपू है इराक की कैपिटल बगदाद है ये कुछ इंपोर्टेंट है ये आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाने हैं जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वाले हैं वो लिखे हैं ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी कंट्री सारे देशों को याद करने के लिए बैठ जाओ नहीं ठीक है ये इंपोर्टेंट वाले हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आते रहते हैं बेपर में आ सकता है है आपके ठीक डेनमार्क की कैपिटल जो है वो कैपे हेंगांग है इंडोनेशिया uh, की कैपिटल जकार्ता है पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बोन है कैनेडा की कैपिटल ओटावा है स्पेन की कैपिटल मेड्रिड है ग्रीस की कैपिटल जो है एथेंस है इराक की कैपिटल जो है वो तेहरान है रशिया की कैपिटल मॉस्को है और इजिप्ट की कैपिटल जो है वो है सीआरओ क्या है वही सीआरओ क्लियर है बेटा जी एयरफोर्स में आया था हां आया होगा बिल्कुल आया होगा ठीक है नेक्स्ट पर बढ़े आइए दूसरा देखते हैं टाइप टू देखते हैं भाई किस तरह से क्वेश्चन आता है टाइप टू पे दूसरा टाइप है आपका स्टेट एंड कैपिटल पे स्टेट एंड कैपिटल पे कुछ शब्द ही डिस्कस कर रहा हूं मुझे नहीं लगता बार बार सवाल का फॉर्मेशन करने की आवश्यकता है क्योंकि अगर मैं सवाल फॉर्मेशन करता रहा यहाँ पे तो अपना टाइम हो जाएगा आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा नहीं तो मैं इसे पिछले पेज पे ऐसे संबंध दे देता आपको कि यार बताओ राजस्थान का संबंध जयपुर से है तो बिहार का संबंध किससे होगा तो ऐसे एक सवाल बनाने के अंदर कोई समय नहीं लगता है लेकिन बस वो ये समय दस बारह पंद्रह थोड़ा सा बचाने के लिए मैं आपको लिख करके नहीं दे रहा हूं सीधा क्वेश्चन नहीं फॉर्म कर रहा हूँ सीधा मैं नॉलेज के ऊपर ही बात कर रहा हूँ इस चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ जैसे कि महाराष्ट्र का संबंध किससे है बेटा जी मुंबई से है ठीक है गुजरात का संबंध किससे है गुजरात का संबंध गांधीनगर से है ठीक है तमिलनाडु का संबंध कैसे जैसे महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है गुजरात की कैपिटल क्या है गांधीनगर है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है असम की कैपिटल दिसपुर है राजस्थान की कैपिटल जो है वो जयपुर है मेघालय की कैपिटल जो है शिलोंग है सिक्किम की कैपिटल गंगतोक है नागालैंड की कैपिटल जो है कोहिमा है हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है ध्यान रखना पंजाब की भी चंडीगढ़ है चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है चलिए ये एग्जाम टाइम पे फिर से रिवाइज करके जाने है आपको इसके बाद नंबर तीन कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट देखेंगे कंट्रीज एंड देर करेंसी भारत का संबंध रुपया से है चाइना का संबंध युआन से है जो भारत का जो जो करेंसी है वो उसको रुपीज कहते हैं रुपया कहते हैं चाइना की करेंसी को युआन कहते हैं इराक की करंसी को जो है वो दिनार कहते हैं कुएत की करंसी को जो है वो दिनार कहते हैं थाईलैंड की करेंसी को जो है बहत कहते हैं अच्छा ग्रीस की करेंसी को जो है वो यूरो कहते हैं जापान की करेंसी को येन कहते हैं कंफ्यूजन होता है कई बार येन और युआन में तो शब्द बोलने के आधार पे आप डिफरेंस निकालते हो युआन को बोलोगे तो युआन चाइनीज फीलिंग आ रही है येन बोलने में और युआन बोलने में चाइनीज फीलिंग किसमें आ रही है युआन बोलने में तो चाइना का क्या है युआन है ठीक है नेक्स्ट इसके बाद में है इराक की कैपिटल रियाल है रशिया की कैपिटल जो है रूबेल है क्लियर है बेटा नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट कंट्रीज एंड देयर करेंसीज ठीक है बेटा नेक्स्ट अगले पर आते हैं अगला है आपका करंसी क्या कंट्री ऑफ सॉरी कैपिटल ऑफ कनाडा एनीवन ओटावा है बेटा जी नेक्स्ट नंबर फोर कनाडा नहीं लिखा गया इसमें कनाडा आजकल चर्चाओं में लिख लो यहाँ पे कनाडा लिखा तो यहाँ ये लिखा ना कनाडा की ओटावा है ठीक है नेक्स्ट नंबर फोर Instru यहां से सवाल आया है भाई पेपर में आपके काफी एस एस में इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर मेजरमेंट कि भाई साहब ये उपकरण है और ये उनको नापने की ये ये चीजें नापी जाती हैं इन उपकरणों से जैसे कि बोरोमीटर है वो दाब नापने के प्रेशर नापने के काम में आता है आपने बोरोमीटर देखा भी होगा जब आप साइकिल में मोटरसाइकिल में गाड़ी में हवा भरवाने के लिए जाते हैं तो जो जो हवा भरने के बाद में वो एक मीटर सा लगाता है और देखता है कि कितनी हवा टायर में है बीस है चालीस है साठ है ट्रकों में ज्यादा प्रेशर होती है बाइक्स में नॉर्मली 40 के आसपास होती है 35 के आसपास होती है साइकिल्स में और भी कम होती है तो बेसिकली वही उसी को बोरोमीटर कहते हैं तो बोरोमीटर जो है वो प्रेशर नापने के काम में रहता है एग्जाम एग्जाम्पल सवाल आता है बोरो इज बोरोज रिलेटेड टू तो प्रेशर देन हाउ इज ओडोमीटर इज रिलेटेड टू तो विच ऑप्शन या जो भी ऑप्शन आपको दिए जाए ठीक है चलिए हाइड्रोमीटर का जो संबंध है वो है ह्यूमिडिटी से हाइड्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नापी जा सकती है एमीटर का संबंध जो है वो है करंट से मतलब कि धारा मापी से धारा नापी जा सकती है एमिनोमीटर से जो है वो विंड नापी जा सकती है एमिनोमीटर से जो है वो वायु हवा जो वो देखी जाती है भाई किधर बह है रही है पैलेंस से तराजू से जो है वो मास नापा जाता है वेट नहीं नापा जाता है मास नापा जाता है वजन नापा जाता है

थिकनेस uh, को नापने के लिए काम में लिया जाता है यार एक कागज कितना मोटा है एक एम mm का है आधे एम mm का है कितने का है थिकनेस नापने के काम में लिया जाता है बोलो बात समझ में आई क्लियर है भाई हाँ फिजिक्स से रिलेटेड है थोड़े से क्लियर है सभी को वीडियो को लाइक कर दो यार जिसने भी नहीं कराया अभी तक नेक्स्ट अगला है नंबर फाइव क्वांटिटी एंड देयर एंड देयर यूनिट ये भाई साहब जैसे बोलते हैं ना कि एक के जी चीनी दे दे है ना तो मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है पांच लीटर की ड्यू वाली बोतल दे दे बोलते हैं कि साहब दो लीटर में ड्यू दे दो तो जो बेसिकली लिक्विड की यूनिट है वो लीटर में नापा जाता है लिक्विड जो है 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 वो लीटर में जाता नॉर्मली ठीक जैसे 240 वोट का करंट बह रहा है, तो पावर जो है उसको वोट में नापी जाती है तीन एमपीयर का करंट बह रहा है दो पॉइंट का करंट बह रहा है तो करंट को जो है वो एम्पियर में नापा जाता है ठीक है करंट की पावर को जो है वो वाट में नापा जाता है करंट को जो है वो एम्पियर में नापा जाता है बोलो बात समझे तो वैसे यहाँ कुछ लिखे क्वान्टिटी एंड देर यूनिट जैसे लेंथ को नापने की जो इकाई है बेटा जी वो मीटर है ठीक है ओके okay. उसके बाद में मास को नापने की जो इकाई है वो किलोग्राम है एनर्जी को नापने की जो इकाई है वो जूल है एंगल को नापने की जो इकाई है उसको रेडियन कहते हैं एंगल जो है वो रेडियन में नापा जाता है ठीक है चलिए वर्क को नापने की इकाई है, जूल है एरिया को नापने की इकाई जो है वो हेक्टेयर है uh, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापने की इकाई जो है आपने इसमें पढ़ा होगा ना फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में चलो तो बेसिकली ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापी जाती है कैंडेला में पावर जो है उसको नापा जाता है वोट में और करंट जो है उसको नापा जाता है एम्पियर में ये कुछ यूनिट्स और उनकी क्वांटिटी थी तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा एनर्जी इज रिलेटेड टू जूल देन हाउ इज एरिया इज रिलेटेड टू विच ऑप्शन क्वेश्चन आया भी है, होगा। बोलो बात है भी? हाँ ये यूनिट मापक इकाई एक, आई है क्वांटिटी एंड द यूनिट ठीक है क्लियर है भाई <laughs> ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव या जो है कह दीजिए आइए अगले अपन क्वांटिटी नंबर फाइव पर आते हैं फाइव तो ही है, ये आइए सिक्स पे आते हैं आइए सेलर का संबंध क्रू से है तो सोल्जर का संबंध किससे रहा होगा चलिए रेजिमेंट ऑफ आर्मी चलिए सेलर का मतलब बेसिकली क्या होता है जो शिप होती है ना शिप उसके ऊपर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको सेलर कहते हैं सेलर मतलब नाविक कह सकते हो एक तरह से आप तो सेलर्स का ग्रुप जो है ना ग्रुप ऑफ नोन एज क्रू वैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का ग्रुप क्या कहलाता है आर्मी कहलाती है बेटा तो अगला जो है वह आपका यही है नंबर छ कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल एंड देयर ग्रुप्स individual and their groups ठीक है जरा देखिएगा सेलर्स का ग्रुप क्या कहलाता है क्रू कहलाता है बेटा जी ठीक है सेलर्स का ग्रुप जो है वो क्रू कहलाता है ग्रेप्स का जो ग्रुप है वो गुच्छा कहलाता है बंच कहलाता है सोल्जर्स का जो ग्रुप है वो आर्मी कहलाता है प्लेयर्स का ग्रुप जो है वो टीम कहलाता है Pilgrims, का ग्रुप जो है वो कारवा कहलाता है काफिला कहलाता है दीमक का जो है, कोलोनी है, राइडर्स, वो, करता है, का जो है, वो आ, कहलाता है दैट इज जुलूस कहलाता है सिंगर्स का ग्रुप जो है वो कोरकस कहलाता है रिट्रियोर्स का जो ग्रुप है वो मोब कहलाता है भीड़ कहलाता है बोलो बात समझ में आई हाँ जी क्लियर है हिंदी में हिंदी ये लिखी हुई सबकी हिंदी में देख लो क्रू को क्रू कहते हैं क्लियर है आगे बढ़े नेक्स्ट पर कनवे का किसको कहते हैं सर कनवे किसको कहते हैं बेटा कनवे जो आप स्पेलिंग लिख रहे हो देखो अगर आप कन्फ्यूजन है तो दोनों अलग-अलग है कारवा अलग है कन केबल केड अलग है ये कोर कास अलग है पर आप जो कनवे कह रहे हो इसका मतलब होता है एक दूसरे तक बात कनवे करना बात पहुंचाना ठीक है खबर पहुंचाना बात पहुंचाना को कनवे कहते हैं कनवे करना बोलते हैं ना कि आप उसको कनवे कर देना बात पहुंचा देना ठीक है नेक्स्ट चलो नेक्स्ट नंबर सात लिखे नंबर सात है आपका एनिमल्स एंड देयर मूवमेंट्स कि भाई इस जानवर की चाल को ये कहा जाता है क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑल आउल इज रिलेटेड टू फ्लीट देन हाउ इज डंकी इज रिलेटेड टू विच ऑप्शन ठीक है देखिए सबसे पहले डक जो है वो चलती है कैसी कैसे चलती है टक चलती है विडल की तरह मंद, मंद डगमगादी चाल से चलती है विडल बतख के चलने का जो तरीका होता है बतख के जो चलने की चाल होती है उसको विडल कहा जाता है बर्ड पक्षी के चलने की चाल को फ्लाई कहा जाता है उड़ना कहा जाता है उल्लू जब उड़ता है तो उड़ने को उल्लू उड़ता नहीं एक्चुअली उल्लू मंडराता है गोल-गोल देखा कर मंडराता है तो फ्लीट कहते हैं आउल को उड़ने को फ्लीट कहा जाता है हाथी जब चलता है तो हाथी की चाल को हम एम्बल कहते हैं मंद-मंद चलना अपनी मस्ती में मस्त चलता है धीरे 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 ठीक है हॉर्स को चलने को कहते हैं गैलोप सरपट दौड़ना तेजी से टप 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 दौड़ने को बेसिकली Gallope कहा जाता है माउस का जब माउस जब दौड़ता है तो उसको कहते हैं स्कैम्पर दैट इज तेजी से इधर उधर दौड़ता ऐसे दौड़ता है ना तो बेसिकली माउस के दौड़ने को स्कैम्पर कहा जाता है डंकी के दौड़ने को ट्रोट कहा जाता है दैट इज ट्रोट आई डोंट नो व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ इट लेकिन ट्रोट कहते हैं बेसिकली जो है डंकी के दौड़ने को लैम्ब जब चलता है तो लैम्ब मेमना जब चलता है उसको फ्रिस्क कहते हैं छोटे 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 कदम रख के जो है मेमना चलता है रैबिट जो चलता है उसे लीप कहा जाता है उछल उछल के जो चलता है दौड़ दौड़ के जो कूद कूद के जो, जो है वो चलता है उसे ठीक है क्लियर है बेटा आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं इसको शायद कहते हैं तुल की मार के चलना दुल दुल की चाल ऐसे कह सकते हो ठीक है दुल की क्लियर है भाई चलिए क्लियर है नेक्स्ट अगला है नंबर एट टूल एंड एक्शन दैट इज औजार और उनके कार्य कि भाई ये चीज इस काम आती है ये चीज इस काम आती है ये चीज इस काम आती है अच्छा यार शब्दों का कोई अंत नहीं है जितने करो उतने कम है शब्दों का कोई अंत नहीं है जितने करो उतने कम है शब्द करते रहो जाए करते रहो करते रहो करते रहो कोई अंत नहीं है शब्दों का सो तो इसीलिए आप लोग सभी बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो शब्दों का कोई अंत नहीं है चलते अगला है

फावड़ा जो है बेटा जी डिग खोदने के काम में आता है टोंग्स चिमटा जो है वो होल्ड पकड़ने के काम में आता है चिमटे से हम पकड़ते हैं ना रोटियों को पकड़ते हैं बेसिकली गन बंदूक जो है वो शूट दैट इज गोली मारने के काम में आती है स्वाड तलवार जो है वो शट बेसिकली स्लगटर दैट इज वध करने के काम में आती है और पतवार जो है ओर जो है और पतवार जो है वो नाव चलाने के काम में आता है नौका चाल, चाल, चाल चलाने के बेसिकली काम आता है जो नौका चलाते हुए जो जो लकड़ी होती है है ना जिससे वो वो नौका वाहक जो नाव चलाता है, वो पानी को पीछे धकेलता है तो उसी को बेसिकली जो है औ, और कहा जाता है पतवार कहा जाता है तो नोका नौका चलाने की जो है वो काम आती है बोलो क्लियर बात किसी को किसी में डाउट है कि साहब ये चीज क्या होती है तो मुझे आप पूछ सकते हैं बाकी फिर मैं नेक्स्ट पर बात करूंगा सर क्वेश्चन कराइए लीजिए भाई ऐसे ये कोई बोलने की बात है क्वेश्चन कराइए ये कोई कहने की बात है क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है सर लैंब क्या होता है लैंब होता है बेटा मेमना बकरे बच्चे वो बेसिकली भेड़ का बच्चा या फिर जो है बकरी के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है ठीक है ओके आइए ये कोई कहने की बात है क्वेश्चन कराओ ले क्वेश्चन लीजार्ड का संबंध रेप्टाइल से है तो रोडेंट का संबंध किससे रहा होगा क्या है भाई लिजार्ड छिपकली जो है उसका संबंध रेंगने वाले जीवों से है छिपकली का संबंध रेंगने वाले जीवों से तो रोडेंट का संबंध किससे होगा रोडेंट एक शब्द है जिसको अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा चूहों से संबंधित या कह दीजिए चूहों की प्रजाति से संबंधित तो रोडेंट मतलब चूहों की प्रजाति से संबंधित शब्दों का संबंध किससे रहा होगा जैसे कि गिलहरी चूहा वगैरह वगैरह का संबंध किससे रहा होगा बताइए आइए हिंदी बता दी ना बेटा आइए अरे हिंदी में बता तो दिया बेटा लिजार्ड मतलब कि छिपकली रेप रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव छिपकली का संबंध रेंगने वाले जीवों से है तो रोडेंट का मतलब हो गया चूहा चूहा ही ले लो आप चूहे का संबंध वैसे रोडेंट वर्ड यूज किया जाता है जो छोटे मोटे जीव जंतु तो होते हैं जो ना तो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं ना ही इंसेक्ट की कैटेगरी में आते बीच के गिलैरी चूहा छोटे चुट छोटे जानवर जो चूहे के साइज के हैं वो वाले जानवरों के लिए बेसिकली वर्ड यूज हुआ है रोडेंट चूहों से संबंधित एक शब्द है का संबंध किससे होगा नहीं सर पहले क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन करा दो सर ये तो हमें आता ही है क्वेश्चन सही है सर Concept भी कोई चीज होती है क्या सर क्वेश्चन करा दो क्वेश्चन ऑप्शंस ऑप्शंस है मेमल्स ऑप्शंस आर एक्वेटिक एनिमल्स ऑप्शन आर एम्फीबियंस ऑप्शन बोल तो दिए बेटा बस तुमसे ना हो पाएगा बेटा छिपकली जो है वो रेंगने वाले जीवों की कैटेगरी में आते हैं वैसे रोडेंट जो है वो मेमल्स की कैटेगरी में आते हैं बेटा जी। दैट इज स्तनधारी जीवों की कैटेगरी में आते हैं ठीक है एम्फीबियंस एम्फीबियंस का मतलब पता है तुम्हें? एम्फीबियंस सर तेज दौड़ने से संबंधित है सर <laughs> चलिए भाई तो अगला अपना टाइप यही है इंडिविजुअल एंड देयर क्लास नंबर नाइन

जमीन पर अगर वो रहे तो अपने फेफड़ों से जो है वो सांस ले सके तो एम्फीबियन जो है वो दोनों कैटेगरीज में आते हैं बेसिकली तो चेयर कुर्सी जो है वो फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं ध्यान रखना आपको मैं आगे अगर व्राम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो चेयर जो है वो स, जो है वो फर्नीचर की कैटेगरी में आती हैं और चेयर अगर फर्नीचर की कैटेगरी में आ रही है तो चाहे वो लोहे की चेयर हो चाहे वो प्लास्टिक की हो चेयर की कैटेगरी वाइज उसको फर्नीचर में डिफाइन कर दिया गया तो तुम अब लोहे की चेयर ला ये नहीं कसते ये फर्नीचर नहीं है चेयर मतलब फर्नीचर बात खत्म ठीक है चलो वैसे फर्नीचर का असली अर्थ तो यही है कि जो लकड़ी से बना हो लेकिन कैटेगरी वाइज शेयर को अगर जैसे कैटेगरी है तो ये नहीं कह सकते में रखा गया है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है तो आप ये नहीं कह सकते मैं तो हर भी वर्ष हूँ मैं तो शाकाहारी हूँ तो मैं तो नहीं आऊंगा जिस कैटेगरी में मुझे रखा गया है तो आपको रख दिया गया है उस कैटेगरी में आप आओगे ही आओगे ठीक है क्लियर है बेटा बटरफ्लाई जो है वो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती है सांप जो है वो की कैटेगरी में आता है कप जो है वो क्रोकर की कैटेगरी में आता है वेल जो है वो मेमल्स की कैटेगरी में आता है Curtains, पर्दे जो है वो दैट इज कपड़े की कैटेगरी में आते हैं कह सकते हो आप की कैटेगरी में आता है किसी को भी किसी भी शब्द में डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड पर मैं लिखा देता हूं आपको बैट भी जो है ना बैट चमगादड़ वो भी पक्षी की कैटेगरी में नहीं आती वो भी मैमल की कैटेगरी में आती है है ना डोल्फिन वो भी मछली की कैटेगरी में नहीं आती है वो भी मैमल की कैटेगरी में आती है पेंगविन है ना पेंगविन वो बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं बेटा बर्ड्स बर्ड्स कहां नहीं लिखे कहीं भी लिखें पेंग्वीन। पेंग्वीन मतलब वो ठंडे इलाकों में रहने वाले ऐसे ऐसे चलने वाले जानवर उड़ते नहीं है बेसिकली उनको अपन फ्लाईलेस बर्ड भी कहते हैं पर वो पक्षियों की कैटेगरी में आते हैं कप मतलब अरे चाय पीने वाला कप भाई ठीक है इसके अलावा इसके अलावा बस किसी में भी डाउट है पूछ लीजिए नेक्स्ट पर चलते हैं हां हां वही वही क्लियर है हाँ हाँ यही वाला जो जेंटल राहुल ने लिखे है ना यही पैंग चलो आगे चलो भाई एक और सवाल लो फिर सर प्रैक्टिस करा दो सर प्रैक्टिस ले भाई प्रैक्टिस करो बेटा प्रैक्टिस डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है तो ब्लैक स्मिथ लोहार का संबंध किससे रहा होगा चलो आपको जो समझ में आए वो जवाब दे दो डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है जो गले में डाल के रखता है ना डॉक्टर जिसको कान में लगा के आपके दिल की धड़कन चेक करता है कि टूटा तो नहीं है साबुत तो है तो वो चेक करता है डॉक्टर की भाई दिल का मारा तो नहीं है ये तो डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है तो ब्लैक स्मिथ दैट इज लोहार का संबंध किससे रहा होगा हथौड़े से गलत जवाब हथौड़ा ऑप्शन में नहीं है और बताओ सोच लो जो सो, सोचना है हैमर से गलत जवाब छेनी छेनी बेटा छेनी जो है वो मूर्तिकार का होता है ऑप्शन नहीं है भाई लोहे से गलत जवाब ऑप्शन के बिना मैं बता दूंगा कि गलत है कि सही गलत जवाब नहीं है ऑप्शन उप्षयन, मेरे ऑप्शंस में नहीं है चलिए लोहा गलत लकड़ी गलत लोहार का लकड़ी से क्या काम है बेटा कारपेंटर का है लकड़ी से काम तो चले भाई आइए सही जवाब है एनविल एनविल अभी क्या बला है आइए समझाते हैं इधर आ जाओ हिंदी में इसको अरहन कहा जाता है यही अपना नेक्स्ट टाइप होने वाला है नंबर टेन किसको प्रैक्टिस करनी थी रे बाबा तो है। ये अपनी नेक्स्ट टाइप है जिसमें व्यक्ति और उसके काम में आने वाली चीजों से जो है देखो यार लकड़ लकड़हारे का संबंध कुल्हड़ी से है और कारपेंटर दट इज खाती का संबंध जो है वो लकड़ी से है आरे से है सो से आरे से लकड़ी से भी नहीं आरे से है उसका एक काम करने का यंत्र आरा है यहाँ लिखा हुआ शायद ये देखो ये देखो लिखा हुआ ठीक है और यहाँ शायद लगभग ठीक ही लिखे हैं आओ तो ब्लैक स्मिथ लोहार का संबंध अरहन से है अरहन बेसिकली वो चीज होती है जिसके ऊपर रख करके लोहार ठोका पिट्टी करता है एक ऐसा लोहे का जो है वो बेस होता है जिसके ऊपर रख करके जो है लोहार चीजों को सुधारता है इस तरह का बेसिकली एक यंत्र होता है ठीक है तो ये लोहार का एक यंत्र है जिससे लोहार जिसपे ठोका पेटी करके जो है चीजों को सुधारता है कारपेंटर जो है कारपेंटर का जो आ, काम में आने वाला औजार है वो सो जिसको उसको आरा कहते हैं ओथर जो है उसको काम में आने वाली चीज क्या है पेन है डॉक्टर का स्थित्वस्कोप है जिसको हिंदी में भी स्थित्व कहा जाता है जो गले में लटका है बेसिकली डॉक्टर रखता है मजदूर का है स्पेड स्पेड मतलब फावड़ा या फावली बेसिकली कहते हैं अपन शेफ शेफ मतलब कि खाना बनाने वाला शेफ होटल वाला शेफ उसका है क्या चाकू बेसिकली ठीक है इसके बा, बाद है बंदूक सोल्जर का जो है वो होता है बंदूक फार्मर का होता है वो प्लाउ होता है हल होता है और दर्जी का जो है वो नीडल सुई होती है बोलो बात समझ में आई क्लियर है बेटा जी नेक्स्ट <laughs> हाँ, मोची के पास भी वैसा ही कुछ होता है जो लोहार के पास होता है है बिल्कुल सही पकड़े हो मोची भी रखता है उसको नेक्स्ट नंबर पर आइए अगला कॉन्सेप्ट है नंबर इलेवन थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस की भी चीजें और उनको रखने का स्थान यहां से एग्जाम में सवाल आपके आए हैं आप पी वाई क्यू जब उठा के देखोगे ना तो आपको लगेगा यार कितना ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें पढ़ाई आज पंकज ने इतनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पेपर में आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो आप अभी ठीक है और सर्दी का माहौल है बेटा पढ़ पट। कार जो है वो कहां खड़ी होती है बेसिकली गैरेज में खड़ी होती है एनिमल कहा खड़ा एनिमल को रखने की जगह कार को रखने की जगह सुधारने की जगह है गैरेज है गैरेज में कार सुधरती है रखी जाती है जो एनिमल है उनको कहा रखा जाता है जू में रखा जाता है एरोप्लेन है इसको कहां रखा जाता है बेटा जी हैंगर पे रखा जाता है हैंगर में रखा जाता है घर में जो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है उसमें नहीं

फाइटर जेट्स भी भले ही बाहर खड़े होते हैं लेकिन एरोप्लेन जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना वो एक शेड के नीचे बहुत बड़ी सी जो टीन शेड होती है उसके नीचे बेसिकली वो बनाए जाते हैं वहाँ उनकी पंख को मोड़ के जो है वो वहाँ पे उनको पार्क किया जाता है मूवीज वगैरह में शायद आपने अगर देखा हो तो तो वो जगह होती है जहाँ पर जो है पार्क उसी को हैंगर कहते हैं बेसिकली ठीक है तो ये हो गया एरोप्लेन्स के लिए ग्रेन्स अनाज कहाँ रखा जाता है अनाज ग्रेनरी में रखा जाता है अनाज घर में रखा जाता है बेटा जी तो ग्रेन्स कहाँ रखा जाता है ग्रेनरी में मेडिसिन कहाँ रखी जाती है डिस्पेंसरी में रखी जाती है औषधालय में रखी जाती है क्लोथ कहाँ रखे जाते हैं वोड्रो में रखे जाते हैं अलबारी में रखे जाते हैं पेशेंट को कहाँ रखा जाता है हॉस्पिटल में रखा जाता है फिशेस कहाँ रहती है इक्वेरियम में रखी जाती हैं अच्छा कहाँ होती हैं ये नहीं पूछा नहीं तो आप जूक जो एनिमल्स का संबंध तो आप जंगल से दे रहे होते हैं है ना फॉरेस्ट से दे रहे होते हैं कहाँ रखे जाते हैं बेसिकली है ना वाइन कहाँ रखी जाती है सीलर में रखी जाती है शराबों के गोदाम में रखी जाती है और फिश कहां रखी जाती है? है जो आपने काच का, ओ, देखा काच का एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर मछली है, है क्लियर है? है मेरी जान आगे चले तभी तो मैं सोच रहा था कैसे टंग सकता है <laughs> अच्छा एरोप्लेन को टाकने के फ्यूचर में प्लानिंग कर ली थी तुमने हैंगर पे चलो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर बारह वर्कर एंड देयर वर्किंग प्लेस कि भाई ये लोग काम कहां करते हैं सवाल आ जाएगा पेंटर का संबंध गैलरी से है तो बताइए लॉयर का संबंध कहां से रहा होगा तो वर्कर एंड देयर वर्किंग प्लेस चीजें जो है काम करने वाले व्यक्ति और जो है काम जहां किया जा रहा है वो चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं किसान जो है वो कहा काम करता है बेटा फील्ड में काम करता है दैट इज खेत में काम करता है नाविक कहां काम करता है शिप पर काम करता है जहाज में काम करता है डॉक्टर कहाँ काम करता है बेटा जी हॉस्पिटल में काम करता है अच्छा डॉक्टर तो साहब हमारे घर के पड़ोस में क्लिनिक में भी बैठता है सर घोड़े का स्थान क्या है बेटा घोड़े का स्थान एनिमल्स में जब अपन पढ़ेंगे ना तब बताएंगे अभी हम तो थिंग्स पे बात कर रहे थे थोड़ी पहले घोड़ा बेसिकली स्टेबल में रखा जाता है एस टी ए बी अस्तबल कहते हैं आगे आएगा एनिमल एंड देयर कीपिंग प्लेस या एनिमल एंड देयर हाउस बेसिकली इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आगे मैं आपको बताऊंगा उसमें बेसिकली कवर होगा ठीक है चलिए डॉक्टर कहाँ होता है बेटा जी हॉस्पिटल में पेंटर कहा होता है गैलरी में रंगशाला में एम्पायर कहा काम करता है पिच पर काम करता है क्रिकेट की पिच पर बेसिकली और जो आर्टिस्ट होता है वो कहा काम करता है थिएटर में रंगपंच में कलाकार जो होता है थिएटर आर्टिस्ट बेसिकली जो होते हैं वो लॉयर कहा काम करता है कोर्ट में काम करता है टीचर कहाँ काम करता है स्कूल में साइंटिस्ट काम करता है लेबोरेटरी में बोलो बात समझ भाई ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट पर आए नंबर तेरा थिंग्स एंड अप ऑफ नंबर थर्टीन डालिए थिंग्स एंड अप ऑफ चीजें और किससे बनी है प्रिज्म जो है वो क्लास से बना है बटर जो है वो मिल्क से दूध से बना है वाइन जो है वो अंगूरों से बनी है जूते जो है वो लेदर से बनते हैं रबर लेटेक्स से बनता है लेटेक्स एक पेड़ से निकलता है आपने कई बार यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे ऐसे पेड़ के पेड़ जो होता है ना पेड़ ये पेड़ हो गया इस पेड़ के अंदर कुछ इसकी जो भी स्किन होती है उसको काट के यहां पर एक बर्तन लटका दिया जाता है उसमें से सफेद सफेद मिल्क जैसा गिर रहा होता है और वो आखिरी में इस कंटेनर में जो है वो बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है और जब उस कंटेनर में इकट्ठा होता है तो आखिरी में बाद में बहुत टाइम लगता है तो आदमी आता है बाद में उसको कर लेता है थोड़ा और छील के जाता है थोड़ा और निकलता है इसमें से ये बेसिकली क्या होता है इसी को लेटेक्स कहते हैं रबर बनाने के लिए काफी काम में आता है इस लेटेक्स में सल्फर मिलाया जाता है कम और अधिक मात्रा में जिससे स्ट्रॉन्ग और जो बदबू आती है ना बेसिकली आपको रबर में जैसे टायर में जो गाड़ी का टायर है वो उसे जब आप उसको सूंघोगे तो उसमें जो बदबू आ रही है वो सल्फर की बदबू आती है ठीक है लेटेक्स में सल्फर मिला करके कम और अधिक मात्रा में स्ट्रॉन्ग और जो है लाइट रबर बनाए जाते हैं इसके बाद में जो है क्लोथ कपड़ा जो है वो फाइबर रेख, रेखा रे, रे, नहीं रेशे से बनता है चलिए फैब्रिक कपड़ा जो है वो यार्न सूत से बनता है दोनों ही बातें सेम सी हैं फर्नीचर uh, जो है वो लकड़ी से बनता है जो पेपर है वो पल्प से बनता है बेसिकली पल्प क्या होता है? जो लकड़ी होती है ना लकड़ी उसको गलाया जाता है गलने के बाद वो पल्प बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट फॉर्म में तैयार होती है और उसको जो है उससे फिर मशीन से पेपर बनाए जाते हैं ज्वेलरी जो है वो गोल्ड से बनती है बेटा जी बोलो बात समझ में आई क्लियर है भाई साहब एक मिनट रुको मैं ये डिलीटेड कमेंट पढ़ लू एक बार जो जो कमेंट्स डिलीट हुए बहुत डिलीट हुए तीन पेज फोर शेडल किंग ठीक हंसने वाला इमोजी चलिए कल की क्लास के कमेंट्स ठीक है उस पर भी बात करेंगे मैं सच्ची बताऊं मैं भूल गया मैं बोल देता हूं आज जिन भी बच्चों ने चलो थोड़ी देर बाद में बात करेंगे ठीक है थोड़ी देर बाद बात करेंगे नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा अपना मैं भूल गया कल की क्लास के कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लाना कल पक्का लेकर के आऊंगा कल जिन भी बच्चों ने कमेंट किया उनके लिए बहुत बहुत आभार साठ कमेंट्स का टारगेट है और शायद अचीव कर लिया है शायद मैंने मॉर्निंग में देखा था सिक्सटी फाइव के आसपास कमेंट्स है या जो भी है चलो अच्छी बात है कल जो भी बच्चे होमवर्क करेंगे तो उनके सम्मान में कि उन्होंने भाई होमवर्क करा है बात मानते हैं इज्जतदार बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं तो उनके सम्मान में जो है कल आप कल जो है वो उनके कमेंट्स हम लेकर के आएंगे ठीक है अच्छा परसों की क्लास पे तो सेवेंटी वन कमेंट्स हैं और कल की क्लास पे कल की क्लास पे कल की क्लास पे सिक्स सेवेंटी वन अरे कल की पे भी सिक्स सेवन फोर्टी टू है अच्छा कल की पे फोर्टी टू अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी बहुत बढ़िया शिवानी चौहान ने कल की क्लास पे कमेंट करा कौशिक एम भगवती भगवती रॉयल अमित स्टाइलिश क्या स्टाइल्स गुरु एटीट्यूड ओके मेजर लक्की वर्मा ब्रिजलता रितेश दिनेश अंकुश मनीष दीपक अनुज कार्तिक आर एस ओके काजल सारू नितिन आकाश नीलम कार्तिके वंदना शर्मा ललित कुमार योगेंद्र बेस्ट Best, बेस्ट स्टूडेंट ओहो लकी संदीप शुभम अभिषेक इट्स हर्ष क्या तगड़े तगड़े नाम है यार तुम्हारे, स्वीटी निशा अनीश वंदना चलो भाई नामों से पता चल रहा है लड़कियां थोड़ी ज्यादा सीरियस हैं होमवर्क करने में ठीक है ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास में कमेंट किया था नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं ओके

सर्कल का एक छोटा पार्ट आर्क चाप भी होता है बेसिकली ये सर्कल होता है ना इतने हिस्से को मैं आर्क कह सकता हूँ एरोप्लेन का एक छोटा हिस्सा कॉकपिट कॉकपिट होता होता है है एरोप्लेन के अंदर पेंसिल का लेड होता है घर का हाउस होता है बुक का पेज होता है ये चैप्टर होता है क्लोक का नेडल होता है कार्क का स्टेरिंग होता है फैन का जो है वो फैन की ब्लेड होती है कार्ट का व्हील होता है कार्ट होता है घोड़ा गाडी वाला गाड़ी बेसिकली उसका एक छोटा पार्ट व्हीट होता है ठीक है चलो ये हो गया नंबर जो भी है नेक्स्ट पेयर रिलेशनशिप की भाई एक के साथ दूसरी चीज बोलते हैं जैसे पेंट शर्ट टाई बेल्ट आ, या ऐसे ही कुछ भी चेयर चेयर टेबल कोई भी चीज कोई भी ऐसी चीज क्वेश्चन आंसर जूते जुराब ऐसे बोलते हैं ना पेयरिंग रिलेशनशिप में आते हैं वो सब शर्ट ट्राउजर या कह दीजिए शर्ट पैंट कप और सोसर तश्तरी बेसिकली कप जिसमें रखे दिया जाता है पुरानी मूवीज में आप देखते हो कप एक छोटी तश्तरी में रख दिया जाता है कप एंड सोसर साड़ी ब्लाउज पेंसिल इरेजर चेयर टेबल घोड़ा गाड़ी लोक चा, ताला चाबी दरवाजा खिड़की क्वेश्चन आंसर जूते जुराब तो ये सब जो है पेयरिंग रिलेशनशिप है कि भाई एक के साथ दूसरी चीज फ्री है ये कुछ और टाइप्स हो गए इसके बाद कुछ और टाइप्स पे बात कर लेते हैं वर्कर एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट की भाई ये आदमी इस चीज के लिए काम करता है एडिटर जो है संपादक जो है वो न्यूज़पेपर के लिए काम करता है फार्मर जो है वो खेत में क्रॉप के लिए काम करता है बड़ाई जो है वो फर्नीचर के लिए काम करता है प्रोड्यूसर जो फिल्म के लिए काम करता है टेलर क्लोथ के लिए काम करता है ऑथर जो है बुक्स के लिए काम करता है बट चरके जो है वो मीट मास्क के लिए काम करता है मोची जूतों के लिए काम करता है पोइट जो है वो पोएम के लिए काम करता है टीचर एजुकेशन के लिए काम करता है एजुकेशन किसी भी चीज की हो सकती है पढ़ाई लिखाई डांसिंग पेंटिंग किसी भी चीज की ठीक है नेक्स्ट टाइप देखेगा

कि मैं आज मॉर्निंग में क्लास में स्क्रीन शॉट लगाऊंगा क्लास में लेट हो गया तो लगा ही नहीं पाया तो मैं इवनिंग में लगाऊंगा जरूर से करना आज होमवर्क ठीक है भाई दोनों होमवर्क क्वेश्चन है टारगेट रख रहे हैं सिक्सटी कमेंट्स का सिक्सटी कमेंट्स का जो है वो टारगेट रख रहे हैं ओके चलो आज के लिए इतना ही मुलाकात करेंगे हम आपसे अगली क्लास में ये क्लास है आज आपकी इवनिंग इवनिंग के अंदर अच्छा इवनिंग में क्लास तो है बजे एनालॉजी की लेकिन आज विशेष सूचना और है आप ले, है आप लोगों के के लिए विशेष सूचना ये कि आज बजे करंट अफेयर की ऊपर जो बी एस आर क्लास लेने वाले हैं YouTube पर बी एस की क्लास आज आप लोगों की होगी तो उसके अंदर जरूर से पहुंचेगा इसी के साथ बी एस लेकर के आएंगे करंट अफेयर की मिक्स प्रैक्टिस की क्लास आज YouTube के ऊपर मंडे से सैटरडे क्लास चलेगी आज से शुरू हो जाएगी ठीक है भाई साहब चलो इसी के साथ लाइव बैच को आप ज्वाइन करते हैं लाइव बैच में सभी टीचर्स की लाइव प्रैक्टिस की क्लासेस मिक्स प्रैक्टिस की क्लासेस टॉपिक वाइज लाइव स्कोरिंग सिस्टम पीडीएफ ऑफ प्रैक्टिस क्लास रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ में कंप्लीट ये आपको बैच मिलता है इसको आप फॉलो कर सकते हैं

आंसर अभी नहीं देना है जब ये क्लास सबमिट हो जाएगी अगले दो मिनट के बाद में उसके बाद में इसके ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपना होमवर्क क्वेश्चन करके जवाब देना है कमेंट बॉक्स ठीक है बेटा चलो तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत वन ए मातरम होप यू लाइक द सेशन होप यू एंजॉय द सेशन अगली क्लास मिलते हैं बाय बाय गाइस जय हिंद टेक केयर